ये देखो भाई, ये देखो भाई, क्या बात है भाई, यहाँ पर क्या बात है भाई, होटल का भी भाई साहब 15 रुपए का ही है। ये देखो भाई, अब ये जाएंगे सीधा कढ़ाई में। ये गए भाई कढ़ाई, ये रेड वाली थोड़ी सी हमने जो डुबाया। कितने टाइम से आप पकौड़े खा रहे हैं इनके? एक साल ही करीब। कैसे लगता है आपको? अच्छा लगता है। और इनके जो रेट्स वगैरह है वो कैसे लगते हैं आपको? सही है, रेट 15 रुपए के देते हैं। कि पकौड़े ले आता हूँ कोई 50 के, अभी 100 की तुलवाता नहीं करेगी, अलग अलग हिसाब से। भाव जी नमस्कार। तो कितने टाइम पुराना शॉप है आपका? हमारा सर 75 से है। 75 ईयर्स। अभी आप जो है यहाँ पे पकौड़े जो है वो सेल करते हैं अभी? जी। कितने रुपए का पकौड़ा आपको हो जाता है और कितने आइटम्स है आपके पास, ये बताइए आप? हमारे पास लगभग सर 10 आइटम है। 10 आइटम? आलू का है सर, हाँ, बैंगन का, पनीर का, भीस का, कटहल का, गोभी का, मिर्च का, अलग अलग पकौड़े हैं। हाँ, आलू की पकौड़ी है। अच्छा, चलिए एक बार दिखाइए आपके पास, आपके ब्रेड के पकौड़े हैं? सिंपल ब्रेड है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, बिल्कुल सिंपल ब्रेड है। क्या बात है, पनीर नहीं है। अभी ये हाफ डन हुई भी है ना सर? हाँ, ये पनीर वाला ब्रेड है सर। अच्छा, ये पनीर वाला ब्रेड का पकौड़ा है? ये 20 रुपए का पड़ता है। तो भाई ये देख लो, ये पनीर वाला है, ये 20 रुपए का प्राइस आपको पड़ेगा। ये कौन सा पकौड़ा आता है? ये कमल ककड़ी होती है 20। कमल ककड़ी, हाँ। बैंगन का, हाँ। इनके प्राइस साथ साथ बता दीजिए कितने पर पीस? 15 रुपए। हाँ। देखो भाई, ऊपर जो है आपको सब जो है यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह मिल जाएगी। खाली पनीर का पकौड़ा है, ये प्याज का पकौड़ा आ जाता है, ये आलू का पकौड़ा आ जाता है, और ये वाला पकौड़ा कौन सा? अचार वाली जो मिर्च आती है। पकौड़े का साइज देखो भाई, क्या बात है। ये कितने रुपए का पड़ता है? ये भी 15 रुपए का। और ये देखो भाई, ये गया कस्टमर के हाथ में। देखो इनकी चटनी है, और ये इनकी हरे वाली चटनी। चटनी क्या गाड़ी गाड़ी जो है इनकी चटनी आती है। भाऊ जी, चटनी में क्या डालते हो आप? ये अमचूर होता है, गुड़ होता है, मसाले होते हैं, नमक मिर्च होता है और हरी मिर्च वगैरह। यहाँ पे जो है भारी अपना काफी ट्रैफिक चल रहा है। तो ये लोकेशन कौन सी आ जाती है भाऊ जी? ये अंसारी रोड है सर। ये नावल्टी चौराहा कहलाता है, मुजफ्फरनगर के अंदर अंसारी रोड है भाई। तो भाई ये देखो, यहाँ पे जो है पकौड़ों की कटिंग हो रही है। ये देखो, ये ब्रेड के पकौड़ों की जो है यहाँ पे कटिंग की जा रही है। ये देखो भाई, क्या बात है। ये कौन से पकौड़ा कट रहा है? ये पनीर पकौड़ा कट रहा है। और ये देखो भाई, ये गया सीधा कढ़ाई के अंदर। क्या बात है भाई, ये कौन कौन से पकौड़े का? इसमें ब्रेड पनीर है, पालक है, गोभी है। अच्छा, हल्दी पनीर है। हल्दी पनीर है। तो भाई ये देखो, पकौड़े जो है यहाँ पे तले जा रहे हैं। तो भाई कोयले की भट्टी पे जो है यहाँ पे ये तल रहे हैं। तो कूलन कर रहे हैं आप? क्या जाती है यहाँ पे पकौड़ी? आलू पालक की देख लो, ये भी आलू पालक की यहाँ पे पकौड़ी है। बहुत ही फेमस है भाई ये मुजफ्फरनगर के अंदर। ये देखो भाई, यहाँ पे जो है पकौड़े आपके निकलते हुए। तो ये देखो भाई, ये गए यहाँ पे पकौड़े। बैठ जाइए आप, खा के देखिए। ये आ गई चटनी, और ये देखो भाई, ये पकौड़े, ओहो हो हो, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखो अलग ही रंगत भी अलग ही आ रही है। ये देखो मसाला आ गया भैया, देखो भाई मसाला आ गया भाई, और ये चटनी आ गई इसके अंदर भाई। ये देखो भाई, मसाले भी सब अपने होते हैं बाजार। अच्छा, सब अपने मसाले होते हैं, सब अपने सामने पिसवाते हैं सर। अरे पकोड़े जो है यहाँ पे सामने जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या बात है भाई। और ये देखो भाई, ये यहाँ पे क्या बन गई भैया? आलू पालक की पकौड़ी। ये देखो भाई, उधर से जो है यहाँ पे बैटर आ गया। और ये देखो भाई, ओहो हो, ये देखो भाई, ये देखो भाई, क्या बात है भाई, यहाँ पे क्या बात है भाई। ये देखो भाई, ये आपने पकोड़े ले लिए। कब से आ रहे हैं भैया खाने यहाँ पे आप? ऐसे हो गए 28-29 साल। 28-29 साल हो गए कंटिन्यू यहीं पे आते हुए। कौन सा पकोड़ा खा रहे हैं आप? पालक का पकोड़ा। बैठ लीजिए, क्या बात है भैया। तो टेस्ट में कैसा लगता है आपको? ये बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। और प्राइस? प्राइस भी बहुत सस्ती है इसकी। सस्ते है मतलब ज्यादा महंगे प्राइस नहीं है? नहीं जी। आप कितना टाइम से आ रहे हैं सर? बस में टाइम हो गया भाई। इतना टाइम हो गया आपको? क्या बात है, सब बढ़िया लगता है आपको यहाँ का? सब कुछ अच्छा बनता है यहाँ, सब कुछ बढ़िया बनता है। ये 10 रुपए का है जी, जी काफी बड़ा साइज है जी। जी कितना टाइम हो गया भैया आपको यहाँ पे? 29 साल। 29 साल से आप ही हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या बात है। और ये कौन कौन से पकौड़े कटिंग हो रही है भैया? ये गोभी का है, ये गोभी का हो गया, ये कमल ककड़ी का है। कमल ककड़ी काट के दिखाओ भैया जरा। भाई साहब ये देखो भाई, कमल ककड़ी, क्या बात है भाई, बहुत ही पॉपुलर है भाई ये मुजफ्फरनगर के अंदर। और छोटे 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 पीस हो रहे हैं भाई इनके। ये कटहल का है, कटहल का कितने रुपए का है भाऊ जी? 15 रुपए का ही। ये भी 15 रुपए का है? कटहल का भी भाई साहब 15 रुपए का ही है। ये देखो भाई, 15 रुपए का भाई कटहल का भी है। मिर्च आलू हो गए, छोटे आलू जी जी जी। ये देखो भाई, ये मिर्च का है भाई। ये देखो आलू की पकौड़ी आ गई थोड़ी सी। ये बैंगन है, ये बैंगन एक बार दिखाना जरा खोल के भैया। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो पनीर वाला ब्रेड, एक बार दिखाना भैया पनीर। क्या बात है भाई, काट हो गया। ये देखो भाई,
ये आ गया आपका मेथी प्याज। मेथी प्याज ये के लिए भी 15? हाँ जी। ये देखो भाई सभी 15 रुपए के हैं, मेथी प्याज वाला भी। ये देखो भाई कलाकारी, देखो भाई कलाकारी, ये देखो भाई कलाकारी। अब ये जाएंगे सीधा कढ़ाई में। डालो भैया, ये गए भाई कढ़ाई में। देखो ये आ गए हैं हमारे सामने पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। ये देखो पनीर वाला पकोड़ा आ गया इनका। ये देखो भाई ये आ गया इनका पकोड़ा मिर्च वाला भाई। और ये देखो भाई कटहल का पकोड़ा है, क्या बात है भाई। ये देखो शेप, देखो अलग ही शेप में, छोटी छोटी शेप में काटे हुए हैं। हमारी जो है इनके अंदर रेड वाली दी है, ये आपका ग्रीन वाली चटनी दी है। ये देखो एकदम बढ़िया लग रहा है। सो भाई सबसे पहले जो हम जो है टेस्ट करते हैं, ये कटहल वाला टेस्ट करते हैं। देखो भाई ये कटहल का पकौड़ा हमारा जो है सामने आ गया है, ठीक है। और ये देखो भाई ये रेड वाली चटनी होगी और ये आ गई हरे वाली। लाजवाब लग रहा है भाई। ये हम टेस्ट करते हैं पनीर ब्रेड का, ये रेड वाली थोड़ी सी हमने जो डुबाया है इसमें इधर का, ये हो गया। गर्मा गर्म है, जो मसाले का फ्लेवर है ना वो अलग आ रहा है, पनीर का जो इसके अंदर फ्लेवर है वो अलग आ रहा है। इनकी जो पिट्टी है ना वो कुछ यूनिक टाइप की है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। थोड़ा सा मसाला वो डलवाते हैं, मसाला बहुत अच्छा है भैया इनका मसाला। देखो यहाँ पे अलग ही है, कितना भी डाल लो भाई, बहुत ही बढ़िया जो है इनका यूनिक मसाला लग रहा है एकदम। हम ट्राई करते हैं मिर्च वाला। ये देखो भाई मिर्च के पकौड़े इनका, ये सिर्फ हरे वाली चटनी के साथ ट्राई करेंगे। मिर्च वाले पकौड़े भी ना क्या बात है, एकदम अलग ही यूनिक टेस्ट जो है आपको वो यहाँ पे मिलने वाला है। ये इनकी जो है पकौड़ी है अलग से, ये आ गया हमारा। ये देखो ये है मेथी प्याज का पकौड़ा, ये वाला एक बार हम टेस्ट करते हैं। अलग ही आ रहा है प्याज का फ्लेवर, और एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन जो है इनका बन के निकल रहा है। छोटी छोटी पीसेस में कटिंग हुई भी है। सारे पकौड़े जो है एक नंबर है भाई। ये देखो भाई मलाई वाली चाय आ गई यहाँ पे सामने, क्या बात है भाई। बहुत बढ़िया। सो गाइस ये देखो भाई ये है इनका, देखो ये बैंगन का पकौड़ा है, छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है, ठीक है जी। ये लगाया इधर। ये देखो बीस का पकौड़ा। लाजवाब पेड़।